ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਓ ਇਧਰ ਇਧਰ उन्होंने बताया कि सांबा जिला पुलिस अब हमेशा सत्रह और पच्चीस सत्रों के नेशनल हाईवे में है और बड़ी टेप जो कि आज सारे इसी सिलसिला में आज भी हमने यहाँ पे एक नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान हमने देखा एक बुलेरो लोड कैरियर रोड साइड पे खड़ी थी। हम पहले वॉच करते रहे, हमें लगा कि ये आदमी जो है इसमें कुछ मशकूक लग रहा था हमें। जैसे ही हम पास गए दो आदमी थे, एक आदमी को जैसे ही हमने पहुँचा दूसरा तब तक वहाँ से निकल गया। जिस आदमी को हमने पकड़ा गिरफ्तार किया उसकी पहचान हमने शहनवाज के रूप में की है। ये खवास बुदल राजौरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और जब हमने इसकी गाड़ी की तलाशी ली तो इसकी गाड़ी में पहले तो हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन इसकी शक्ल देख के लग रहा था कि इसको बार बार पसीना आ रहा है। जब हमने गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया हमने देखा कि इसने गाड़ी के अंदर ही एक कैबिन बनाया हुआ था। उस कैबिन को ऊपर से जैसे ही हमने उठाया तो उसके नीचे से हमें लगभग लगभग एक क्विंटल बुकी जो है बरामद हुई। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? फिलहाल तो ये इसी रिंग रोड पे थे, बिश्नाह की साइड से ये नेशनल हाईवे पे आ रहे थे। तो नेशनल हाईवे पे आने से पहले ही हमने इनको पकड़ लिया, इसको गिरफ्तार कर दिया, केस रजिस्टर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इससे हम पूछेंगे कि इसने ये सारा सामान कहाँ से लाया और अल्टीमेटली इसने कहाँ बेचा। क्या कुछ उम्मीद है कि बड़ी कुछ चेन हाथ में लग सकती है? देखो अभी तो पिछले काफ़ी दिनों से हम इसी कोशिश में हैं और मैं कहता हूँ छोटी छोटी मछलियों के साथ बड़े बड़े मगरमच्छ भी अभी पकड़े जा रहे हैं।